कई लोग आप पर भी चिढ़ते होंगे, रोज मंदिर चली जाती है, रोज कथा होती है, 1 बजे और टीवी खोल के बैठ जाते हैं, अभी ये कथा पूरी हो जाएगी आज 16 तारीख को, और 23 तारीख से 29 तारीख तक फिर नांदेड़ की कथा चालू हो जाएगी। नांदेड़ में जो कथा है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में, उस कथा का नाम हमने कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा रखा है। उस कथा का नाम कुलेश्वर महादेव रखा है। उस कथा में हम जानेंगे कि हमारे घर के कुल देवता, हमारे घर के कुल देवी, हमारे घर के कुल भैरव, हमारे घर का कुल देवी देवता कौन सा है, और उस कुल देवता को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल देवी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल भैरव को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। और जिसके घर के लोगों को नहीं मालूम कि हमारी कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, हम किसको माने, उसके लिए वो कुलेश्वर शिव महापुराण की कथा नांदेड़ की पवित्र भूमि से अपन श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे, 23 से 29 अगस्त तक उसको सुने। और एक जो कथा है वहां गुड़गांव में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव हरियाणा में जो कथा है, उस कथा का नाम फुलेरा शिव महापुराण की कथा रखी गई है। उस कथा में अपन जानेंगे कि फुलेरा में कौन से पुष्पों का प्रयोग किया जाए, जब किसी स्त्री का रजोधर्म या गर्भाशय में जो गठान हो जाती है, या गर्भाशय में किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या रजोधर्म से जुड़े हुई जो दिक्कतें होती हैं, तो फुलेरे का कौन से पुष्प का फुलेरा, या कौन से स्थान पर शिव जी को कौन सा फूल हड़ताली का दिन समर्पित करना चाहिए, उसका स्मरण अपन उस कथा में, फुलेरा शिव महापुराण की कथा, उसको श्रवण करेंगे गुड़गांव की पवित्र भूमि से 3 सितंबर से 9 सितंबर तक उसको।